सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के चलते एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड के हालातों पर सभी दलों के नेताओं से राय शुमारी होगी। विपक्ष कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पर यह सर्वदलीय बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ध्वस्त होती व्यवस्थाओं की तस्वीरें जिस तरीके से मीडिया में आ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। इस बीच सीएम सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कह रहे हैं, तमाम दलों के नेताओं से राय शुमारी कि इस आपातकाल में क्या किया जा सकता है। दवाओं की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी अभी नकारी जा रही है, लेकिन दवाओं की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जानकारी लेते हैं। विनोद, ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या उस पर कोई सकारात्मक विचार के साथ आएंगे? सकारात्मक विचार से मतलब ये है कि कोई सोल्यूशन लेके आएंगे या वहां पे भी टेबल पर बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम गाई जाएगी? जी सेनेलता, देखिए आज मुख्यमंत्री ने शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक बुलाई है और सर्वदलीय बैठक है और सभी दलों के नेता इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और मुख्यमंत्री बारी बारी से अलग अलग नेताओं के साथ में राय शुमारी करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष कोविड काल में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद एक सकारात्मक ये पहल है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री तमाम अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के साथ में वार्ता करेंगे और चर्चा करेंगे आखिरकार उनकी राय क्या है। और लगातार जिस तरह से आरोप का मंथन, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उत्तराखंड में जारी है, विपक्ष लगातार कोविड काल में सरकार पर अपने आरोप लगा रहा है कि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, तो ऐसे में एक बड़ा एक सकारात्मक पहल मुख्यमंत्री के यहाँ जरूर माना जाए। भाई उनकी सकारात्मक पहल है, लेकिन विपक्षी दलों के पास कोई चिट्ठा पर्चा या कोई 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 ऐसी बात कहने जाएंगे या फिर यहाँ पर सिर्फ ब्रेकिंग चलेगी और हम बताएंगे कि सर्वदलीय बैठक हुई, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वहां पर विपक्षी दलों के पास कुछ है बताने के लिए, बातचीत करने के लिए, या ये भी सिर्फ एक खाना पूर्ति? जी सनेलता, देखिए अन्य जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चाहे वो कोविड के तमाम जितने भी व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई रही है और ऐसे में अब राज्य सरकार उन नेताओं के साथ में बात करेगी आखिरकार चर्चा में वो अपनी राय क्या रखते हैं, मुख्यमंत्री उनसे बात करने वाले आज शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 2 साल ऐसे करीब अब आरोप प्रत्यारोप का दौर बीत गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर बीत गया है, लोग बहुत परेशान हैं। बेहतर होगा कि राजनीति छोड़ के कोई ढंग के सोल्यूशन के साथ आए, कुछ अच्छी बात, या अच्छी बात से मतलब उनके पास कोई अच्छी व्यवस्था का कोई रोड मैप हो, कुछ प्लान हो, तब तो समय बर्बाद करें, वरना ये खाना पूर्ति करके हमने ब्रेकिंग चला दी, बता दी कि सर्वदलीय बैठक हो गई, काम हो गया, जनता परेशान की परेशान रह गई, तो कोई मतलब नहीं है इस खाना पूर्ति का। जाते जाते ये बताइए कि किस तरीके की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो बताई गई है वो पूरी तरीके से हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है कार्यालयों को? देखिए बढ़ते कोविड काल को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए 3 दिनों के लिए जो सरकारी दफ्तर है उनको बंद कर दिया गया है। आज पूरा दिन हो गया है, सुबह से ही सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और लगातार जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें कार्य चल रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी उत्तराखंड के संस्थान हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनको बंद कर दिया जाए। हालांकि अब यह देखना होगा कि 3 दिनों तक ले बंद है और कल जो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी और उससे पहले ठीक तमाम विभागों के तमाम दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और लगातार राज्य सरकार दावा तो जरूर कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और उसके ठीक अलावा लगातार दवाइयों की कमी, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, उनकी कमी जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग और उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि वो जानता होगा कि क्या कंडीशन है इस वक्त और वो किस हालात में होगा उसको बयान नहीं कर पाएंगे। अब देखना है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के ऊपर जनता क्यों ना निगाहें गड़ा कर देखे कि क्या वो बेहतर विकल्प के साथ आते हैं या यहाँ पर भी वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते हुए राजनीति करते हैं। नजर आप जरूर बनाए रखिएगा कि उधर से किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। 2 दिन के भीतर अगर आप कंपेयर करेंगे तो राज्य में 2 नए मामले और मृतकों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता बरकरार है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की अगर बात करें तो प्रदेश में
2998 नए मामले सामने आए हैं। 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,38,010 हो गया है। प्रदेश में एक्टिव केसेस 26,980 हैं। रिपोर्ट्स आनी बाकी है। ये बड़ा धीरे धीरे पूरा आंकड़ा खिसक रहा है। आज 27,000 पे आया है। ये 29 से लगा के खिसकते खिसकते अब बता रहे हैं कि 27,247 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। भगवान जाने वो कहां हैं, आइसोलेट हैं, कैसे हैं, इस बारे में नहीं पता। लेकिन प्रदेश में आज से 3 दिन तक सरकारी दफ्तरों को बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा ताकि वहां पर कामकाज आगे संभाला जा सके। तो ये तस्वीरें हैं, 3 दिन सचिवालय से लगाए तमाम सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनसे अपील की गई है कि 50% कैपेसिटी पर काम कीजिए, ऑफिस को सैनिटाइज कराइए। तो 20, 21, 22 के आंकड़े आपके सामने हैं, माफ कीजिए, और 3 दिन मौतों का आंकड़ा ही है आपके सामने। लेकिन अभी जो हालात हैं, क्या उस पर काबू पाने के लिए सही कदम उठाया जा रहा है? टिहरी से खबर मिल रही है, जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो होम आइसोलेशन पे थे और ऋषिकेश में घर पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार कोरोना पॉजिटिव थे, अपने घर में आइसोलेट थे। ऋषिकेश में अपने घर में ही इन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड में कोरोना का कहर आप देखिए, टिहरी से यह खबर आई। एक ही चीज है तनाव से दूर करने के लिए, जब आप प्रकृति के गोद में जाते हैं। और प्रकृति के गोद में जाने के लिए यकीन मानिए उत्तराखंड का मौसम इस वक्त किस तरीके से बदल रहा है। थोड़ी शांति अगर कहीं ढूंढना चाहते हैं तो इन तस्वीरों में शायद आपको ढूंढने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने तनाव में हम आप हैं उससे प्रतिरोधक क्षमता घटती है। इन तस्वीरों को देखिए, गहरी सांस लीजिए और कहीं प्रकृति किसी लोग के लिए कहीं पे तो रहम कर रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, देखिए उत्तराखंड के तमाम जगहों से मनमोहक तस्वीरें। विकास नगर, जोशीमठ, बड़कोट, जहां बर्फबारी ने लोगों के चेहरे पर खुशी लाई है। चकराता के लोखंडी में बर्फबारी है, बद्रीनाथ में बर्फबारी है। तो तमाम आपदाओं के बीच प्रकृति की तरफ से ये एक ऐसी तस्वीर जो मन मोह सकती है। बड़कोट में मां यमुना के मायके खुशी मठ खरशाली से लेकर यमुनोत्री धाम तक जमकर बर्फबारी है। देर रात ही बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग की बर्फबारी की संभावनाएं सही साबित हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है, निचले इलाकों में बर्फबारी। तो बड़कोट की तो ये देखिए, समागम, बड़कोट की ये तस्वीरें, थोड़ी सी राहत और सुकून भरी। आज शीतकालीन प्रभास खुशी मठ में इतिहास में पहली बार इतनी मोटी बर्फबारी यहां पर देर रात से हो रही है। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा बर्फबारी यहां पर गिरने की आशंका है। और यहां पर जो भी काश्तकारों ने अभी यहां पर फसलाना, जो भी आलू इत्यादि फसल यहां पर बोई है, उसको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने बागेश्वर में भी आसमानों ने काले बादलों का डेरा बनाया है, वो दिखाई दे रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है और घाटी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान लुढ़क गया है। तो ये बागेश्वर से भी आई तस्वीरें हैं, देखिए खूबसूरत आसमान, ये पहाड़ और तमाम लोगों के लिए ये तस्वीरें हैं। आप देखिए जहाँ शांति है, सुकून है, बागेश्वर से ये तस्वीरें आई हैं। बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, कुल मिला के मौसम कैसे बदल गया है आप देख सकते हैं। अप्रैल में चकराता में भी पहाड़ियों पर बर्फ पड़ रही है, लोग हैरान हैं। हालांकि चकराता के लोखंडी में बर्फ गिरने के बाद नजारा खूबसूरत हो गया है। बर्फ ही बर्फ, सफेद चादर पूरे इलाके, देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ की आगोश में समा गए। लगातार बर्फबारी है, वाकई
ये राहत देने वाली तस्वीरें हैं, सुकून वाली तस्वीरें हैं। बस प्रार्थना है कि जल्दी से ये वक्त बीते और तमाम वो लोग जिन्हें बहुत शौक है ट्रैवल का, आने जाने का, वो भी यहाँ पहुँच पाए। तो चलिए बाकी मौसम को लेकर बाकी की जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनोद का, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, अगर कहीं से प्रकृति के गोद में थोड़ी सी शांति देने वाली तस्वीरें आ रही हैं इस पेंडेमिक के टाइम, तो वो उत्तराखंड की इन घाटियों से ही आ रही है। अप्रैल के महीने में थोड़ा सा और लग सकता है ना, या फिर ये रेगुलर रूटीन है, ऐसे यहाँ पर बारिश बर्फबारी होती है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? विनोद, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम संपर्क करेंगे क्योंकि देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं बारिश कहीं बर्फ और ये तस्वीरें, हम आप अगर मैदानी क्षेत्रों में हैं जो अप्रैल में गर्मी को देख रहे हैं, धूप देख रहे हैं, वहीं कहीं बर्फ पड़ रही है। विनोद हमसे जुड़ गए हैं। विनोद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, ये बताइए कि अप्रैल के महीने में इस तरीके की बर्फबारी रूटीन है इस इलाके में, या फिर मौसम विभाग ने कुछ और प्रिडिक्ट करके बताया है, कोई और अनुमान है? जी सुनीलता, देखिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की गई थी कि जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, ऊपरी जनपद है, वहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी बनेगी, और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जो ओलावृष्टि है और तेज़ हवाई का जो सिलसिला है उसकी भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। और ऐसे में लगातार जो भविष्यवाणी थी वो सटीक साबित हो रही है। और पूर्व के यानी जिस तरह से अब विपदा लोग कोविड काल चल रहा है, और ऐसे में उत्तराखंड से ऐसी बर्फबारी की तस्वीर जब हमारे दर्शक देखते हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग देखते हैं, तो मनमोहक दृश्य जरूर होता है। लेकिन पूर्व में भी यानी पिछले साल अप्रैल में भी इस तरह की बारिश और बर्फबारी देखने को जरूर मिली थी, और ये कोई ऐसी कोई भविष्यवाणी मौसम विभाग की नहीं थी, ये रूटीन है। और ऐसे में लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अप्रैल माह तक भी बना रहता है, और ऐसे में लगातार कल से झमाझम बारिश का सिलसिला ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बना हुआ है। और राजधानी देहरादून में भी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरू की है, लेकिन पूर्ण रूप से बादल छाए हुए हैं, बारिश पूर्ण रूप से बनी हुई है, और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश के साथ साथ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ में बर्फबारी बनी हुई है। कल मौसम विभाग का अंदेशा ये है कि कल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठीक उससे पहले करीब ऐसे 3 दिन हो गए हैं जैसे पूरे उत्तराखंड में मौसम में बदलाव आया है, और लगातार ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में बारिश बनी हुई है, और बर्फबारी का सिलसिला भी ऊपरी पहाड़ी जनपदों में बना हुआ है, और इसके साथ साथ में तेज़ हवाएं लगातार बनी हुई है, और मैदानी क्षेत्रों में लगातार ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं बनी हुई है, और कहीं ना कहीं गिरावट तापमान में गिरावट आई है। और एक तरफ जहां लगातार एक गर्मी लोगों पर सितम ढा रही थी, और ऐसे में करीब 3 दिन अब उत्तराखंड में हो गए हैं कि मौसम में बदलाव आने के कारण, तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण लोग पूर्ण रूप से खुश हैं, और खुशनुमा माहौल एक इस विपदा यानी कोविड काल की घड़ी में उत्तराखंड से देखा जा रहा है। जी चलिए, कहीं तस्वीरें सुकून देती हैं, और वाकई प्रकृति के गोद से ज्यादा सुरक्षित और सुकून भरी कोई जगह नहीं है, ये दिख रहा है। बहरहाल विनोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में सभी तरह के पुनर्कार्य निर्माण के जो चल रहे थे उन्हें बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं रोकना पड़ा है। केदारनाथ धाम की बात करें तो 3 फीट से ज्यादा की बर्फ पड़ी है। बारिश की वजह से जगह जगह जो लिंक मार्ग हैं वो बाधित हैं। तो इस बर्फबारी का एक दूसरा पहलू भी ये है कि जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा था वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, और जो लिंक वाला रास्ता है वो भी काफी जगह जगह से प्रभावित है, तो ऐसे में आवाजाही भी काफी प्रभावित होती है। जिस तरीके से पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था इसे लेते हुए ये इस वक्त की बड़ी खबर। बर्फबारी का दूसरा पहलू ये है कि कामकाज में थोड़ी रुकावट जरूर आई है, रफ्तार कम हुई है, और ये देखिए तो रुद्रप्रयाग से भी आई है, जहां बारिश के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि पहाड़ों पर इस तरीके की समस्याएं आती हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां बारिश के बाद
पुनर्निर्माण का काम हो या लिंक रोड की हालत, दोनों बाधित हैं। तो बर्फबारी से पुनर्निर्माण के जो कामकाज थे उनको थोड़ी सी ब्रेक लगी है और केदारनाथ में बर्फबारी के बाद ठंड है, 3 फीट तक की बर्फ जम चुकी है। ऐसे में दूसरा पहलू ये है कि तमाम जो वाहन निकले थे लिंक रोड पर, रास्ता खराब होने की वजह से उनके भी फंसने की खबर है। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है जिससे केदारनाथ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच गया है। अभी हमारे वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन के केदारनाथ में 60 से 70 लोग लगभग काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट चाहिए थे, तो ऐसे ठंडे इन्वायरमेंट में वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। और तीरथपुर का जो भवनों का निर्माण कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, उसको हम ऐसे मौसम में भी कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर का काम है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की एक सराहनीय पहल सामने आई है, आरटीपीसीआर टेस्ट निःशुल्क कराने के लिए सेंटर खुलवाया है। सिंचाई विभाग के कोविड केयर सेंटर में फ्री टेस्टिंग होगी। रुड़की में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये इंतजाम किया गया है। अभी भी वक्त है लोगों तक ये सही मैसेज पहुंच जाए कि टेस्टिंग आसानी से सुचारू रूप से हो, उसके रिपोर्ट्स जल्दी आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की ये पहल सराहनीय है। अब ये देखते हैं कि अच्छे से क्रियान्वित हो, इसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा हो।